हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। लास्ट सेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन की एंड हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो रेफरेंडम है वो कराया जाता है। एंड रेफरेंडम क्या होता है? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीन्स है जिससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है, इसका क्या मीनिंग है और क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की है? डेमोक्रेसी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डेमोक्रेसी होती है या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स डायरेक्टली लोग हैं वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इसको ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करती है। इंडिया में, यूएसए में, यूके में, अदरवाइज किसी भी कंट्री की में अगर हम डेमोक्रेसी देखते हैं, वहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें ये कहा जाता है हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, बल्कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो ही हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, लॉ बनाते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसमें लोग डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं ले रहे, डायरेक्टली वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको इलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जे ही सारा काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जैसे हम इंडिया में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम इनको इलेक्ट करते हैं, तो जे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन स्विट्जरलैंड में आज भी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, जिसमें कहा जाता है कि जो पावर्स होती हैं वो लोगों के हाथ में होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने ये ही देखा कि स्विट्जरलैंड में अगर अमेंडमेंट करनी है, वो सारी की सारी पावर्स आज भी लोगों के हाथ में है, तो इसको प्योर डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो ये क्या होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिस स्विट्जरलैंड में प्रिवेल करती है, तो स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी है, इसमें क्या है, जो आज के टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है वो ओनली एंड ओनली 5 कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल कर रही है। इनमें से भी 2 कैंटन्स है जिसमें आज भी प्राइमरी असेंबली के थ्रू हर एक डिसीजन लिया जाता है, लेकिन कुछ कैंटन्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट ही रह गए हैं जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं? जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है, जैसे फेडरल पार्लियामेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट है लाइक दिस, जो स्विट्जरलैंड है इसमें भी पार्लियामेंट है, इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहती है, क्योंकि उसके जो मेंबर्स है लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये बॉडीज फेडरल एंड स्टेट मीन्स कैंटन्स में भी और सेंट्रल लेवल पे भी प्रिवेल कर रही है। अगर स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, इसमें लोग डायरेक्टली खुद लॉ भी बना रही है और इसमें रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं वो भी हैं, दोनों मिलकर ही काम करती हैं। एंड जे बॉडीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, जे बॉडीज पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है, तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, वो आज भी लोगों के हाथ में है। दिस बॉडीज फंक्शंस सब्जेक्ट टू द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन पीपल। आज भी सॉवरेन पीपल जो कहेंगे वो ही डिसीजन लिया जाता है, और जो सॉवरेन पीपल है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, थ्रू रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, इसके थ्रू ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमारे इंडिया में
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। इसमें आम लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर अगर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज अगर चाहती हैं पार्शल या फिर टोटल रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके लिए रिफ्रेंडम कराया जाता है, इसके लिए वोटिंग कराई जाती है। अगर लोग अप्रूवल देंगी तब अमेंडमेंट है की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करती है। तो इसको लॉर्ड ब्राइस हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं नथिंग इन स्विस अरेंजमेंट इज मोर इंस्ट्रक्टिव टू द स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इट ओपन्स अ विंडो इनटू द सोल ऑफ द मल्टीट्यूड। मीन जी कह रहे हैं जो लोगों की मर्जी है डायरेक्टली वो क्या है वहां पर प्रिवेल करती है, और जो डेमोक्रेसी की स्टडी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अट्रैक्टिव पॉइंट है एंड देयर इनर मोस्ट थॉट एंड फीलिंग्स आर सीन डायरेक्टली नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्टेड बॉडीज। जो लोगों की थॉट्स हैं, लोगों की फीलिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं, ये थॉट्स डायरेक्टली हमको स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलती है, ना कि जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि लोग चाहते क्या हैं। तो इतना अच्छा मॉडल सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही प्रिवेल करता है, अदरवाइज किसी कंट्री में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रही है। तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड, इसको हम एस्पेक्ट्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, डिवाइसेस भी कह सकती है। इसके मेन फोर डिवाइसेस है। फर्स्ट है लैंड्स जिमाइंड रिफ्रेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे लैंड्स जिमाइंड क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड्स जिमाइंड, जिसको हम प्राइमरी असेंबली भी कहते हैं। तो प्राइमरी असेंबली लैंड्स जिमाइंड क्या है, ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल असेंबली है। इसमें लोग क्या होते हैं डायरेक्टली आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आप ही खुद डिसीजंस लेते हैं। जैसे हम कहें हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, एक असेंबली है, इसमें जो एमपीस है वो बैठते हैं डिसीजंस लेते हैं। इस तरह लैंड्स जिमाइंड में एक ओपन असेंबली होती है, इसमें ग्राउंड में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर जो लॉ बनाने हैं वहां पर ओपनली डिस्कशन होती है, और उसके बाद जैसे लोग कहते हैं वैसे ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये एक ओपन पॉलिटिकल असेंबली है एंड इसको कैंटनल असेंबली भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ कैंट्स है वो कैंट्स क्या करते हैं कैंटल असेंबली कराते हैं। इसमें जितने भी अडल्ट सिटीजंस होते हैं जिनको वोट देने का राइट है वो ओपन असेंबली के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपने व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड लेट्स जिमाइंड में जो ओपन असेंबली है, प्राइमरी असेंबली है, इसमें लैंड्स मैन होता है वो ही इसका चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्ट किया जाता है जो ओपन असेंबली में मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं वो अपने में से ही एक मेंबर को चेयरमैन इलेक्ट कर देंगे। तो चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल गैदर्ड इन द ओपन असेंबली, इस तरह लैंड्स मैन है वो चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। एंड जो ओपन असेंबली है, प्राइमरी असेंबली है, लैंड्स जिमाइंड है, ये काम कौन कौन से करती है, इसकी क्या फंक्शनिंग है, वर्किंग है, तो ये कैंटर्स के लिए जितने भी लॉ बनाए जाते हैं इस ओपन असेंबली में ही बनाए जाते हैं, जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। एंड जे एनुअल बजट है वो भी पास करते हैं। उसके अलावा अगर एक कैंट्स ने अपनी लोन्स लेनी है, ग्रांट्स लेनी है, उसके लिए भी
अप्रूवल देते हैं तो सभी की सभी असेंबली के पावर्स लोगों के हाथ में डायरेक्टली हैं। एंड इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, जिसको स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कहते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेक टोटल और पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके अलावा जो कैंटन्स है, कैंटन के जो मेंबर्स है, एग्जेक्टिव काउंसिल है, इनको भी आम लोग खुद ही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। उसके अलावा कैंटन्स में जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी ओपन असेंबली में होती है। इस तरह जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, वो ही लैंड्स जिमाइंड है, प्राइमरी असेंबली है, वो ही काम करती है। जो प्राइमरी असेंबली है, जी प्राइमरी असेंबली सुनने में अगर हम इसकी वर्किंग देखें बहुत अच्छी लगती है, जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लिए खुद लोग बनाते हैं। क्या इनका फ्यूचर है सच में ब्राइट है? क्या फ्यूचर में जो लैंड्स माइंड है, जे प्रोसेस ओपन असेंबली आगे बढ़ती रहेगी? तो हम देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ प्राइमरी असेंबली। तो आज के टाइम में जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है और इसके साथ डाइवर्सिटीज इंक्रीज हो चुकी है, व्यूज चेंज हो चुकी है, इसके साथ जो इनका फ्यूचर है बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। जी आज के टाइम में इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। 17th सेंचुरी में जब स्विट्जरलैंड में 13 कैंटन्स थे, उस टाइम 11 कैंटन्स में जो लैंड्स की माइंड है प्राइमरी असेंबली के थ्रू ही लॉ बनाए जाते थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में ओनली एंड ओनली 2 कैंटन्स हैं, जिसमें जो ओपन असेंबली है उसके थ्रू ही लॉ बनाए जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? ग्लेरस एंड एपनजेल इनर रोडर। तो ये 2 कैंटन्स हैं जिसमें प्राइमरी असेंबली प्रिवेल करती है। एंड 3 अदर कैंटन्स भी हैं जिनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्राइमरी असेंबली है वो प्रिवेल करती है। इसीलिए तो हम कहते हैं 2 और 3 5 कैंटन्स में आज भी डायरेक्ट असेंबली है वो की जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। तो जिथा लैंड्स जिमन। तो हमने आज इस सेशन में एक एस्पेक्ट किया, जो रिफ्रेंडम इनिशिएटिव रिकॉल है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिससे हमको ये पता चलता है स्विट्जरलैंड में आज भी डायरेक्टली लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोग अपने लोग खुद बनाते हैं। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।